यूपी के 53 जिलों में शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 65 सीटों पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में महज 6 सीटें आई हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। वो रविवार को सीएम पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक धामी शनिवार को शपथ नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम कल तक के लिए टाल दिया गया है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्विटर पर एक ग्राफ शेयर करते हुए राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन पर टारगेट और मौजूदा हालात के गैप पर तंज कसा। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने इस वक्त करीब करीब दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 100 देशों में डेल्टा वेरिएंट संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम ने कहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी के बेहद खतरनाक दौर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुदरा और थोक व्यापार के सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों यानी MSME के दायरे में लाने के फैसले को ऐतिहासिक कदम बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार इस समुदाय को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार के पूर्वी चंपारण के हरिसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह हजारी ने RJD का दामन थाम लिया है। तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं इस मौके पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। ईडी ने एक बार फिर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP के नेता अनिल देशमुख को कथित रिश्वत के आरोप में पूछताछ के लिए 5 जुलाई को तलब किया है। इस हफ्ते में देशमुख का ये तीसरा समन है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अब की बार महंगी पड़ी सरकार, हैशटैग महंगे दिन। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने रसोई गैस सिलेंडर की भी तस्वीर शेयर की है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि आपका कहना है कि संजय सिंह अखिलेश को जन्मदिन की बधाई देने गए थे। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ियों में से एक एक्टर आमिर खान और किरण राव ने अब एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया है। अपने रिश्तों पर लंबी चर्चा के बाद शनिवार को आमिर किरण ने एक संयुक्त बयान जारी कर तलाक देने का ऐलान कर दिया।